तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और इसमें सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में केस वन हो चुका था ना बच्चा लोग, ऐसे एस बी सॉल्ट एंड उसका कैलकुलेशन लिख रहे थे तो उसमें केस वन हो चुका था भाई। अरे क्या तुम लोग कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीएच तो फर्स्ट कौन सा था केस वन, फॉर एस ए एस बी सॉल्ट यही था ना बच्चा लोग, यही था ना सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कैलकुलेशन ऑफ पीएच डिस्कस कर रहे थे और उसमें भी कौन सा भाई फॉर एस ए एस बी सॉल्ट। क्या डिस्कस करते हैं फॉर एस ए एस बी सॉल्ट तो एस ए एस बी सॉल्ट का पीएच मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन कैसे पता चलता है भाई, फॉर्मूला क्या था भाई, एच प्लस आयन ठीक है ना कैसे था भाई। अगर पहले मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन एसिड के लिए फॉर एसिड M1 है B1 है फॉर बेस कंसंट्रेशन M2 V2 तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन सॉल्यूशन इज एसिडिक, सॉल्यूशन इज एसिडिक तो एसिडिक कब होगा बच्चा व्हेन M1V1 is greater than M2V2 and concentration of H plus ion किसके इक्वल था बच्चा लो M1V1 minus M2V2 divided by V1 plus V2 if solution is basic तो basic हो तो क्या होना चाहिए concentration of OH ion कब होगा ये एम टू बी टू ग्रेटर देन एम वन बी वन उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओएच आयन इज इक्वल टू एम टू बी टू माइनस एम वन बी वन अपॉन बी वन प्लस बी टू यही हुआ था प्रीवियस लेक्चर में और दोनों सेम हो गए तो सॉल्यूशन इज न्यूट्रल हेंस एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू ठीक है ना बच्चा यही हुआ था ना प्रीवियस लेक्चर में यही हुआ था कि नहीं हुआ था सर। तो चलो आज फिर क्वेश्चन करते हैं इससे तो क्वेश्चन नोट करना फाइंड आउट द नेचर of solution and its pH. Question first है mixture of 100 ml of NaOH and 100 ml
1 molar sodium hydroxide and 100 ml of HC, 1 molar HCl. Of potassium hydroxide, 2 molar potassium hydroxide and 80 ml of 1 molar HNO3. Third, ml of 1/4 m/4 lithium sodium hydroxide and 60 ml of m/6 molar of HCl. करो तो क्वेश्चन सॉल्व है, तो बताओ एसिडिक है या न्यूट्रल है सॉल्यूशन, और न्यूट्रल है तो क्यों, एसिडिक है तो क्यों, ठीक है ना बच्चा लोग। करो सॉल्व, जितना सॉल्व होना था हो गया, पता नहीं शायद किससे सॉल्व हुआ हूं बेटा, सब चीज बताएगा। पहला काम M1 V1 M2 V2 निकाल लो, 4 एसिड एसिड बेस, M का वैल्यू, V का वैल्यू, MV का वैल्यू, M का वैल्यू 100, कहां गया है, दोनों के लिए 100, मोलैरिटी दोनों का उल्टा लिख दिया, मोलैरिटी दोनों का 1, वॉल्यूम 100, तो क्या होगा 100 और 100 सेम आया, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, मतलब क्या होगा सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। यस सर, न्यूट्रल आया, हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट वाले में भी वैसे ही कर लो भाई, एम का वैल्यू, बी का वैल्यू, एसिड बेस और यहां पे एम बी, तो एसिड का वैल्यू कितना है भाई, मोलैरिटी 1, बेस का कितना है 2, वॉल्यूम बेस का 20, यहां पर 80 और यहां पे कितना 40, तो कौन से ज्यादा है भाई, एसिड M1 V1 मतलब ये एसिड जो है वो ग्रेटर देन है किससे, M2 V2 मतलब बेस, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। ओहो, एसिड के लिए जाते हैं बेस के लिए, अच्छा हाँ, इस एसिडिक, हो गया सॉल्व। अब कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन की, अब पीएच निकालना है तो कंसंट्रेशन एच प्लस आयन चाहिए, तो क्या करोगे भाई, M1 V1 माइनस मतलब 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाय कितना, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है भाई 100, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 0.4 आएगा कि नहीं आएगा, आगे सॉल्व कर लोगे उसको, पीएच निकाल लोगे, यस सर। कितना होगा पीएच इसका एक्चुअल में,
4 into 10 to the power minus 1, 1 minus 0.60, 20, 398. pH आएगा 0.398. कर लोगे सॉल्व? ये सॉल्यूशन का pH जो है 398 आएगा, 0.398. इसका pH का आंसर 0.398, ठीक है? अब इसका एसिड M1V1 निकाल, पहले MV एसिड बेस, M1 का वैल्यू कितना है बच्चा? बेस के लिए वॉल्यूम है 40, एसिड के लिए 60. ये कितना है? 1/HCl का 6 और ये M/4 मतलब 1/4. तो सॉल्व करने पे 10, यहाँ पे भी 10. एक मिनट, एम वी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई? 10 और 10 आएगा कि नहीं आएगा? M1V1 इक्वल टू M2V2, तो सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल. तो कोई बड़ा बात है क्या इसका क्वेश्चन सॉल्व करना? बेटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इसका क्वेश्चन सॉल्व? केस वन वाले एसिड का? यस सर. केस वन वाले एसिड बोल रहा, केस वन टाइप के सॉल्ट का. तो क्या निकालना है? M1 वैल्यू, V1, M2 और V2. ठीक है ना? कंसंट्रेशन H प्लस आयन चाहिए तो M1 V1 माइनस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2. कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन चाहिए तो M2 V2 माइनस M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2. इस तरह से होगा क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है ना बच्चा लोग? तो जिनसे सॉल्व नहीं हुआ नोट डाउन कर लो जल्दी से बच्चा लोग. तो इसमें देखो बेटा, नेक्स्ट केस 2 है फॉर SAWB सॉल्ट टाइप सॉल्ट. तो इसमें इनडायरेक्टली हमको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, लेकिन फॉर्मूला बना कैसे वो भी इम्पोर्टेंट है. तो प्रो प्रोसेस के थ्रू जाएंगे जहां पे फॉर्मूला बनेगा, और फॉर्मूला बनेगा तो फॉर्मूला को आपको याद भी रखना है भाई. तो सबसे पहले एग्जाम्पल इसका बताओ, SAWB टाइप का सॉल्ट का. HCl and NH4OH. NH4OH, very good. Example of SAWB salt. Ammonium chloride. ठीक है ना बच्चा लोग? तो इसका degree of dissociation, ठीक है ना भाई? या फिर dissociation constant. तो पहला पढ़ाओ dissociation constant of ammonium chloride. या फिर चलो हटा रहे हैं डिसीजन पहले. NH4Cl जब ब्रेक होगा तो क्या फॉर्म करेगा बताओ भाई? कौन कौन सा आयन देगा? NH4Cl- चलो यही देगा ना? यस. तो इसका Kc का वैल्यू क्या होगा भाई? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड. तो अमोनियम क्लोराइड जब टूटेगा तो NH4+ एंड Cl- फॉर्म करेगा. ठीक है बच्चा? तो इसका के का वैल्यू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड Cl- डिवाइडेड बाय क्या? NH4Cl. यही होगा. और ये सॉलिड फेज में है तो क्या होगा? K इक्वल टू NH4+ Cl-. ठीक है बच्चा लो? तो पहला पड़ाव डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड. अच्छा, इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा बताओ? तो सेकंड पढ़ाओ, नेचर ऑफ सॉल्यूशन.
एसिडिक या बेसिक? एसिडिक 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 हाँ, क्योंकि सीएल आयन है, वाटर से रिएक्शन नहीं होगा भाई, नो रिएक्शन। अमोनियम आयन है, पॉजिटिव चार्ज, वाटर में कौन सा मिलता है भाई, एक एच प्लस ओएच माइनस, ये कौन से आयन के साथ रिएक्ट करेगा भाई, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो एच प्लस आयन, मतलब कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। यही होगा बच्चा, यहां तक तकलीफ है क्या किसी को, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ बच्चा लोग। एसिडिक नेचर का तो इसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पीएच, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पीएच, पीएच। तो इसको पहले बाद में देखेंगे पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से पहले यहां तक नोट करो, दो चार बातें नोट करवाना पड़ेगा तब आगे कंटिन्यू करेंगे, तो छापो यहां तक जल्दी, दो बातें नोट करना बच्चा लोग। इफ द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ NH4 आयन इज KH एंड degree of hydrolysis, is H, the dissociation constant, for base and water are Kb and Kw. Hence, इतना सा स्टेटमेंट नोट करते जल्दी से। नोट कर लिया बच्चा लोग, बेटा नोट डाउन किए, कि नहीं, तो देखो यहाँ पे अमोनियम का हाइड्रोलाइसिस और वही रिएक्शन को रिपीट कर रहा हूँ, NH4 वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, बना रहा है NH4 OH H प्लस। टाइम टी था 0, टाइम था टी और टाइम आ गया इक्विलिब्रियम का, ठीक है ना, इसका कंसंट्रेशन 1, वाटर में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, प्योर लिक्विड है तो उसका कोई मतलब नहीं है कॉन्सेंट्रेशन का, बच्चा यूनिटी लेने वाले हैं, अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसलिए अल्फा के जगह पे क्या लूंगा मैं, एच का टर्म, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था, यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, दिख रहे ना बच्चा लो, एच कॉन्सेंट्रेशन सी 1 माइनस एच सी एच सी एच, ठीक है बच्चा, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस के थ्रू क्या निकाल देंगे, डिग्री सॉरी हाइड्रोलाइसिस कॉन्स्टेंट, तो क्या होगा यहाँ पे NH4OH H प्लस आयन डिवाइडेड बाय NH4, प्योर वाटर है इसलिए इसका कंसंट्रेशन 0, मतलब 0 नहीं बोलेंगे 1 यूनिटी, ये हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हमको मालूम है वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, के डब्ल्यू भाई
जब वाटर टूटेगा तो कौन सा आयन बना KB. नहीं हाँ वो तो सही बोल रहे हो. और वाटर टूटेगा तो कौन सा आयन देता है? H plus and OH. हाँ plus and OH. तीसरे इसको क्या बोलते हैं? KW. KW equal to क्या होगा? H plus आयन and OH आयन. ठीक है, ये यहाँ रखना एक क्वेश्चन. KW का वैल्यू, अब यहाँ पे KB का वैल्यू भी निकालना है हमको. KW, KB और KH के बीच रिलेशन और H के बीच रिलेशन पता होना चाहिए भाई. तो एक बार अपना डिटेल में जा रहे हैं कौन कौन से फॉर्मूले बनने वाले हैं देखने के लिए. ठीक है बाबा, इतना डिटेलिंग नहीं करने वाला मैं. वैल्यू ऑफ KW के बाद वैल्यू ऑफ KB. KB क्या है, किसके लिए माना गया भाई? ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस. बेस तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है. ये एग्जांपल के हिसाब से जो लिया उसी को बता रहा हूं. NH4 OH आयन, इसका KB का वैल्यू क्या होगा बच्चा? NH4 कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन डिवाइडेड बाय NH4 OH. ठीक है ना, KB का वैल्यू. तो अब रिलेशन देखना है KB, KW, KH में क्या रिलेशन होगा बच्चा? लोग किसको क्या करोगे कि KH के इक्वल आ जाए या KW के, बताओ. तो रेसिप्रोकल कर दो. रेसिप्रोकल नहीं है, और सोचो. सोचो क्या किया जाए बच्चा लोग की KW और KB और KH के बीच रिलेशन बन जाए. KH का वैल्यू बताना है. KH इक्वल टू क्या होगा? KB अपॉन KW या KW अपॉन KB? KW में H plus upon OH कैसे है? कहाँ पे बोल रहे हो? ये वाला? सर KW और KB को ऐड कर देंगे. ऐड कर दोगे तो कहाँ से होगा? अरे डिवाइड करोगे KW पर डिवाइड तो H plus ऊपर रहेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड. डिवाइड करो ना भाई, देखो तो पहले डिवाइड करके मुझे बताओ. KH के वैल्यू में किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ. कहां से आया KH? क्लियर है? यस सर क्लियर है. KW क्लियर है? और KB क्लियर है? सर KW बता दो. KW, अरे H प्लस टूटा OH में मिला. अच्छा इसको बोल, एक मिनट सॉरी यार, यहाँ पे सही मिस्टेक है. कौन बोल रहा था क्लियर है भाई? लड़का जल्दबाजी में हमसे मिस्टेक हो गया यहाँ पे. अब क्लियर है? Yes. ठीक है ना भाई, अपन कंसंट्रेशन ऑफ H2O लेता. चलो पूरा ही कर लेते हैं इसको. अपन कंसंट्रेशन ऑफ H2O ड्यू टू यूनिटी, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन OH आए, तो इसलिए रिलेशन नहीं बना था. अब बताओ रिलेशन. इक्वेशन वन इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा पहले रिलेशन हेडिंग होगा. रिलेशन बिटवीन KH, KB, KH एंड KW. ये फॉर्मूला इन चैप्टर में डायरेक्ट कई बार फॉर्मूला पूछा जा चुका है भाई, इससे थोड़ा फॉर्मूला बनाने आना चाहिए. याद रखोगे तो अच्छी बात है. बताओ क्या रिलेशन आएगा? हां सर, सर KB डिवाइड बाय KW. KB अपॉन KW की KW अपॉन KB, KW अपॉन KB. इक्वेशन देखते हैं क्या आता है. इक्वेशन 1
इक्वल टू इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन थ्री. तो इक्वेशन वन क्या है भाई, के एच इफ के डब्ल्यू अपॉन के पी, और इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन थ्री. कितना आता है, क्या क्या मिलेगा, के डब्ल्यू अपॉन के पी. के डब्ल्यू का वैल्यू एच प्लस आयन ओ एच आयन, के पी का वैल्यू एन एच फोर प्लस आयन ओ एच आयन डिवाइडेड बाय एन एच फोर ओ एच. तो जो कट रहा काट डालो बच्चा, मिलेगा क्या NH4OH H plus divided by NH4, ठीक है. तो किसके इक्वल है वो, बोलो KH के इक्वल है, यही ना के एच का वैल्यू. तो ये एक रिलेशन पूछा है भाई एग्जाम में, ये फॉर्मूला पूछा था तो ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए. ये भी पूछ चुका है, बोल देगा सॉल्ट का फॉर्मूला लिख देगा, आपको समझना है कौन सा सॉल्ट है, ये एच है ना, के एच. तो के एच इक्वल टू क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन के बी. क्लियर है, ये फॉर्मूला बना लोगे और याद रखना इनडायरेक्टली, भूल जाओ तो बना लेना, देख लो बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा या याद रखना ज्यादा अच्छा रहेगा. क्लियर है, बनाना. अब पीएच निकाल रहे, तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, पीएच तो पीएच के लिए कौन सा आयन का कंसंट्रेशन चाहिए बच्चा लोग, एच प्लस. एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, CH. Concentration of H plus ion equal to CH. अब C दिया ठीक है, H का degree of hydrolysis दिया है, तब ये लो formula use कर लोगे. लेकिन H का value नहीं दिया है, ठीक है ना, KH का दिया, तब क्या करोगे, KH का formula लगाओगे, H का KH के साथ relation बताओ क्या होगा, H plus ion यहाँ से निकालो ना भाई, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन ये कब यूज होगा, जब एच का वैल्यू दिया होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, ये कब यूज होगा, जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस दिया होगा तब. और कंसंट्रेशन सेकंड फॉर्मूला, यहां से एच प्लस का वैल्यू किसके इक्वल है, बाय क्वेश्चन वन कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन किसकी इक्वल है बच्चा, बताओ, के एच इंटू एन एच फोर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यही वो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इक्वल टू क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस दिया है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया है, बेस का कंसंट्रेशन दिया है, ये किसका कंसंट्रेशन है बच्चा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड हो गया यहाँ पे, और ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ बेस, तो निकल जाएगा, होगा कि नहीं होगा बच्चा लोग बताओ, होगा,
ये सेकंड फॉर्मूला नोट करें, यहां तक जगह नहीं है फिर बोर्ड पे, यहां तक जल्दी नोट करो। चलो तो फिर देखो बच्चों एक और फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे केज का फॉर्मूला, केज का वैल्यू नहीं दिया तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, एच प्लस आयन केज का वैल्यू क्या है, के डब्ल्यू अपॉन टीपी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है ना। चलो डी फॉर्मूला आपको मालूम है, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, एच प्लस आयन क्या है, सी इंटू एच, एच का वैल्यू क्या होगा बच्चा बता दो। जैसे हमारा अल्फा होता था, अल्फा इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट के ए अपॉन सी, अंडर रूट के ए अपॉन सी, तो यहाँ पे एच इक्वल टू है तो क्या होगा, के एच अपॉन सी होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा, अंडर रूट के एच अपॉन सी, तो सी इंटू के एच अपॉन सी, तो इसको सॉल्व करते क्या आएगा भाई, अंडर रूट के एच इंटू सी, ठीक है। के एच का वैल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी टू द पावर हाफ, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, लॉग अप्लाई करो तो क्या होगा, लॉग टेन एच प्लस आयन, लॉग की प्रॉपर्टीज से पावर सामने, लॉग टेन के डब्ल्यू अपॉन के बी प्लस लॉग टेन सी, यहां तक इसे कोई तकलीफ है क्या भाई, बोलो। लॉग एच प्लस आयन पावर से हाफ सामने, लॉग के डब्ल्यू अपॉन के बी डिवाइड में है, तो डिवाइड में यहां इनटू में था तो प्लस में, और सिंप्लीफाई करूंगा तो लॉग टेन के डब्ल्यू माइनस लॉग टेन के बी प्लस लॉग टेन सी, तो भैया लॉग एच प्लस आयन को पीएच बोलते हैं क्या हम लोग, माइनस लॉग माइनस, यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे भी माइनस लगेगा, लगा लेते हैं बच्चा लोग, ये बन गया पीएच हाफ का हाफ, ठीक है ना, लॉग टेन के डब्ल्यू माइनस लॉग टेन के बी प्लस लॉग टेन सी, यहां माइनस लग रहा है दोनों साइड से, माइनस इनटू हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे बच्चा, पीएच हाफ का हाफ माइनस लॉग टेन के डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग बताया था माइनस लॉग टेन के डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, आगे पार्ट पीछे सपाट सोलह दुनिया अठारह हिसाब, पी के डब्ल्यू एच रहता तो पी एच, ओ एच रहता तो पी ओ एच, माइनस लॉग टेन के बी को क्या बोलते हैं, पी के बी, माइनस लॉग टेन के डब्ल्यू पी के डब्ल्यू माइनस लॉग टेन के बी, तो पी के बी माइनस से मैंने डायरेक्ट इनटू कर दिया, ये माइनस है तो वैसे ही रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस लॉग टेन सी, तो
तो ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा है। पीके डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है? पीके डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है बच्चा? 40। पीके डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है? 14। 14। तो ये फॉर्मूला पूछा जा चुका है एग्जाम में, क्लियर है? तो ये रिलेशन पूछा एग्जाम में, ठीक है ना, ये फॉर्मूला पूछा एग्जाम में, तो बनाने आना चाहिए। और एक पेज में पूरा समराइज भी करेंगे जब पूरा केस पढ़ लेंगे तब। अभी तो ये सेकंड चल रहा है, आज बस सेकंड तक रखेंगे, कल पर कल में थर्ड और फोर्थ तीनों के दोनों केस देख लेंगे और एक जगह समरी। समरी क्या कल के क्लास में समरी बता देंगे, कितना सारा याद तो रखोगे नहीं मुझे मालूम है। और डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, किस्मत खराब है तो डेरिवेशन पूछ सकते हैं, डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। डेरिवेशन ये होता है कि अगर तुमको मालूम है, तुम पीएच निकालने के लिए तुमको पता रहेगा कि क्या क्या जरूरत चाहिए। पीके डब्ल्यू दिया है तो निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन दिया है, बोली दिया है तो बेस का कंसंट्रेशन दिया है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया है, पीके भी दिया है, डब्ल्यू दिया है तो भी निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला डेरिवेशन से ये रहता है कि तुमको पता है कब किस चीज से क्या पता चल सकता है, इसलिए डिटेल में कमाना पड़ता है। लेकिन कई स्टूडेंट हमको तो यहीं पर नहीं समझ आया होगा सर ये चमत्कार कैसे हो गया कि इधर माइनस नहीं हो तो इधर भी माइनस इंटू करूंगा तो ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, फिर भी कई लोगों ने समझा तो सर यहाँ पे माइनस पी के बी कैसा आया। तो कॉपी का पेज पलटा है, वहां पे के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू में कैसे बताया गया है, पी एच से पी एच से पी एच कैसे बना, ओ एच से पी ओ एच कैसे बना, सब बताया गया, डेफिनेशन बताया गया ना बच्चा लोग, और रिलेशन भी बताया गया है, तो याद रखना वो सबको, ठीक है। फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त।